काट दूंगा तेरे दोनों हाथ और मैं झगड़ो उसको तेज एक साथ में। कहाँ से? मस्जिद से। कहाँ से? मस्जिद से। कैसा मस्जिद से? मस्जिद से। खुद ब खुद आया कौन ला के छोड़े सो? मैं चाहिए। तू चाहिए ऐसा नहीं आ सकता ना, तू खुद ब खुद। हाँ कौन है तू? मरियाली औरत आदमी है? जिन्नात है? कौन है? जिन्न हूँ मैं। जिन है? जिन रह कैसे मनमाना करता, लोगों को ऐसा परेशान करता? क्या क्या तकलीफ दे रहा था बच्ची को? सब तकलीफ दे रहा है। क्या क्या? जोर से बोल। सब तकलीफ दे रहा है। क्या क्या दे रहा था? सब भी। क्या क्या तकलीफ देता था उसको? सब भी दर्द देता है मैं। अच्छा दर्द देता था और अभी सभी सताता था मैं। और उसके पैर को क्या कर रहा था? तूने जलाया था? मैंने जलाया था। कैसा क्या कर रहा था? उसे दे दिखे वह खाना पका दे थे जबकि दिखे में जबर जलाया था। अच्छा क्यों जलाया था? वजह क्यों जलाया था? तेरी उसको पैर जला के क्या दुश्मनी पूरी होने वाली थी? लेके जाना था तुम्हें। अच्छा साथ में ले जाने का था। हाँ मगर मौका नहीं मिला, बच गई उन्हें अल्लाह करम से। बच गई। कितने दफा की पड़ा था मैं। हाँ मार लग के बच गई थी। अच्छा मुझे नहीं है यार मिली। हाँ लेके जाना था मैं भी। हाँ अच्छा कब ले जा रहा था? अब लेके जाना था मैं। अच्छा अम्मास में पुन्नम में? मास में पुन्नम जब भी मिला के। अच्छा जैसा मौका मिलगा वैसा मिला के जाना था मैं। अच्छा और इसके घर में से किस किस को परेशान कर रहा था? सबको परेशान करता था, सताता था मैं लेके। अच्छा और वो घर में से और किसको ले जाने वाला है साथ में इसके? शोहर को लेके गया था। हाँ इसके शोहर के लेके जा गया था, इसको लेकर जाना बोल के था। अच्छा तो उसके शोहर को क्या कर रहा था तू? मार के लिए जाने वाला था? मैं बोल के भेज के उधर घबरा डाल के मार डाला था। अच्छा मार गया। कैसा मारा उसके शोहर को? जैसे जैसे घबरा के ऐसे परेशानी करके सभी सता के उसे नहीं आई सका करके भेज डाला था मैं। हाँ नहीं सका भेज के मार डाला था। कैसा मारा था? घबराहट डाल के? घबराहट डाल के फांसी डाल के मार गए। अच्छा तो तूने मारा था उसको भी? उसको भी मैं सताता था बोल के। क्या करता था उसका शोहर? शोहर जी थे बेपार रहता था। हाँ तो तेरी उसके शोहर की क्या दुश्मनी थी? उसको क्यों मारा? उसे लेके जाने के लिए उसके शोहर ने नजदीक खाता था। दूर नहीं जाता था। क्या है कि दूर करने के लिए दूर भेज के लेके जाना था मैं। जाहिदा को क्यों ले जा रहा था तू? खुशी करने के लिए, मैं खुशी लेने के लिए। अच्छा तेरे को खुशी होना इंसानों को मार के खुशियां कमा रहा कमीने नाला बदबख्त। हाँ काट दूं तेरे दोनों हाथ। कौन ला के छोड़े थे बच्ची के आंग में? मैं चाहता था। सही बोल। मैं ये कम लेके आने मैं चाहता था जी मस्जिद के लिए पास साथी। जोर से बोल सुनने नहीं आ रहा मुझे। मस्जिद के पास साथी थी मेरी बच्ची। हाँ वो मैं बच्ची अकेली हती थी। घबरा डाल के करके मैं से लेके जाना बोल गया था। कितने करा था भी कोशिश नहीं मिले। सभी सताते थे मुझे। कौन सताते थे? उन लोगों सभी। बच्ची कहाँ मिली थी वो? मस्जिद के पास मिली थी। कितने साल पहले मिली? 20 साल के पहले। अच्छा मुस्लिम जिन्नात है कभी से? जिन्ना मुस्लिम जिन्नात है। अरे नालायक मुस्लिम जिन्नात को पहचान करता कम बखत मार के तू जहन्नुम में जाने का है जन्नत में जाने का है? मैं खुशी के लिए मैं कैसे भी करना चाहता था। जहन्नुम में जाके जलने का है तेरे को मरने के बाद में कयामत में? मुझे मरने की तो है मिले। कयामत आने वाली है नहीं आने वाली है? आधी है कयामत। फिर फैसला होने वाला है नहीं होने वाला अल्लाह के सामने सबका? फिर वहाँ तेको जहन्नुम का फैसला मिला तो क्या करता फिर? मुझे करने का ऐसा गया। कुरान आती तुझे पढ़ने? सिखा नहीं सिखा के काट दो भी तेरे दोनों हाथा। दे बोले दादा नहीं है। क्या बोलता था नहीं ना मैं? क्या बोलता था नहीं मैं? क्या बोलता नहीं था? मैं कुछ भी बोलता नहीं है। क्या नहीं है? नहीं कुरान बोलता था कुछ भी नहीं बोलते। अच्छा अब क्या करना तेरे साथ सुनो का बोल। अब
तुझे बाटली में डाल के जमीन में गाड़ दूं क्या? तेरे को बच्चे है? मुझे कौन भी नहीं है। शादी हुई तेरी तेरे दुनिया में? नहीं है। कितनी उम्र है तेरी? 50। कितनी? 50। नहीं होती इतनी कम उम्र कैसी होंगी? साईं बोल, तेरे हाथ आधे ला देता दोनों भी। साईं बोल जल्दी जल्दी काटो दोनों हाथ। अब करेगा उसको परेशान। मार के कैद करा देंगे तेरे बादशाह को। बोलता हूँ तेरे ठहर जरा, तेरे के बादशाह को क्या मनमाना कर रहा है इन्हें कमबख्त। काट के टुकड़ा कर दूंगा मैं इसकी मुंडी, काट के बाहर टांग दूंगा। काट दूं क्या तेरी मुंडी? टांग दूंगा बाहर काट के। बोल करेगा मेरे सामने बड़े बड़े बात? यहाँ अल्लाह कलाम की ताकत है। तेरे बड़े बड़े बादशाह लोग भी मेरे सामने सर उठा के बात नहीं करते कमबख्त। दोनों हाथ तोबा तोबा कर जल्दी और जोर से तोबा तोबा कर। उल्टा के सुने आना मुझे। हाँ उड़ा मुंडी ऊपर, तोबा तोबा कर जल्दी, तोबा कर दोनों हाथ से। हाँ तोबा तोबा कर, बोल जबान से तोबा, चिल्ला के बोल जल्दी। मारू आता मुंह पे मार के तोबा कर। करेगा बच्ची को परेशान दोबारा? नहीं कर भाई, साथ है जिन्नात आए मरे वाले इंसान है उसमें। जिन्नात हमारे। अच्छा तुम ये लोग क्या कर रहे हो? तुम खजाने पे के है कहाँ के? ये बोझ भी नहीं है, मैं देता हूँ लेता हूँ। तेरा मस्जिद करने क्या कर रहा था तू? मस्जिद करने क्या कर रहा था? मस्जिद के पास रहता था मैं। कब से रहता था? मैं भाई पहले से रहता था मैं कादर हसन मस्जिद के पास रहता था मैं। हाँ और वो बच्ची तेरे को ऐसी कैसी मिल गई? कुछ नहीं अच्छी दी थी। और उसका पैर क्यों जलाया वो भाई साहब? ऐसा जलाया जब मैं बच्ची को लेके जाने बोल के जलाया था। साथ में ले जा रहा था उसको जला के वैसा। उसकी नेकी आड़े आके बच गई उन्हें। कैसा क्या बच गई थी उन्हें? वजह बच गए थे सब जो उनके लोग आके बचाए था। कौन बचाए थे? उनके ऊपर उनके शोहर के लिए लोगों को। रूहानी ताकत कौन नहीं थी बचाने को? बुजुर्ग आए थे क्या? दूसरे जिन्नात आए थे? कुछ कौन जिन आया बाजिक लोग आए थे। क्या हुआ था? क्या जाके बचा के धीरे धीरे बुलाने के रह गए था दूसरा जिन आके। दरगाह की तरफ से आया था कोई? आया था उधर से। कहाँ से? उनके लोगों की तरफ से आया था। कौन से? उनके गांव से। उधर दरगाह थी, दरगाह वाले हजरत ने भेजे थे। हाँ शालिम पीर साहब थे। हाँ शालिम पीर साहब थे। अच्छा आपका तेरा रात चल रहा था किसके भी जाना ले जाने का मनमाना चल रहे थे कमबख्त। क्या करना तेरे साथ सुनो? करेगा दोबारा परेशान उसको? नहीं करूंगा। खाली तुझे एक मौका दे रहा हूँ, एक मौका दोबारा दिखना नहीं मुझे उसके आंख पे। अगर दोबारा गलती से भी दिखेगा तो तुझे मार के फिर तेरे टुकड़े कर दूंगा मैं और तेरी मुंडी काट के बाहर टांग दूंगा, नहीं तो तुझे बाटल में डाल के जमीन में गाड़ने का हुक्म दे दूंगा। तो वाह कर चल जल्दी, तो वाह तो वाह बोल जोर से। उसको छोड़ मेरे फौज में शामिल हो जा। रह जाता यहाँ पे? बाहर रहना, लोगों की खिदमत करना और दोबारा किसी को परेशान नहीं करना। और जो कोई भी मेरे बारे में कुछ सोच रहे फिर उनका ने जाके उन पे हमले करना, ठीक है? चल आज से बोल मैं गुलाम हूँ, बोलना टीपू सुल्तान का। किसका गुलाम है? सैयद टीपू सुल्तान का। इसका गुलाम है? जोर से सैयद टीपू सुल्तान। और ए जिन तेरा नाम क्या है? रहीम है। अच्छा जब भी हम रहीम आ बोलेंगे तो आना, जो काम बोले वो करके जाना। और दूसरी बात बाहरी चलना हमारे फौज में शामिल, और क्या भी तेको जो काम करना है वो करना बाहर रह के दिल से, और इबादत भी करना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, सब चीजा सीखना, समझ गा? और जो कोई भी दिमाग पढ़ने की ताकत रहती तेरे पास में जिन्नात है तू, तो जो कोई भी मेरे बारे में बुरा सोच रहा फौरी जाके उसके घर तक जाके उस पे हमले करना, समझ गया? समझ गया? तो वाह कर चल जल्दी, जोर से तो वाह कर, सबको सुने आना।
जोर से, हाँ चल जा बाहर जा, खड़े हो जा, चल उसको छोड़, जा बाहर जा, खड़े हो जा रहीम, रहीम चल बाहर जा, छोड़ दे उसको, चल जा जा, शाबाश जा, जा शाबाश जा रहीम, बाहर जा शामिल हो जा फौज में, छोड़ दे बच्ची को जा, जा जा शाबाश जा, हाँ गुड, क्या नाम? जाहिदा, अरे जाहिदा जा रहीम बाहर जा, खड़े जा, छोड़ दे उसको फौरी तेजी के साथ में, अरे जाहिदा भी, अरे जाहिदा भी क्या होगा, पानी पियो, पानी पियो, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तेरा अल्लाह का शुक्र, कहां से आए, क्या कोकटम डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जिला बोल, कोकटम तालुका विलेज छोड़ लो, कमलापुरम मंडलम कड़पा जिला तालुका, कड़पा जिला, कड़पा जिला कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, रायलसीमा, अच्छा सर, कोकटम बॉर्डर है समझो, हां उसके सास ससुर ना, क्या हम इधर चले गए, अब वो तो बोल रहा था कि कहीं का लगे वाला है, मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा था, मैं लगे वाला हूँ, अब देखेंगे, खैर लगे वाला हूँ तो चले जाएगा निकल के, अगर दोबारा आएंगे गलती से भी तो फिर उसको जकड़ के जला के जलाने की तैयार करना पड़ता, हमला करा के, और ऐसी बात रहती कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, इबादत तुम्हारी ढाल है, दुआ मोमिन का हथियार है, तुम खाना खाते टाइम पे की दुआ, घर से बाहर निकलते टाइम पे की दुआ, ये सब दुआएं पड़ेंगे तो तुम महफूज रहेंगे, अब वो बच्ची के अंदर का जिन्नात मैं तो नहीं बोला, उन्हें खुद बोल रहा था, उसकी जबानी बोला, उसने क्या बोला, मस्जिद के पास कहीं थी, उन्हें उसको पकड़ लिया, हो सकता कुछ गंदे आंख से होंगी या हो सकता कुछ जैसा भी एक्स वाई जेड, उन्हें उस पे झपट में आगा, फिर उन्हें क्या किया कि उसको बाद में मारने की भी कोशिश करा, उसको सुसाइड अटेम्प्ट करने लगा, उसको जलाया, उसको बोल रहा वो सब, लेकिन कोई बुजुर्गाने दीन की दरगाह है वहां से फौरी दूसरे मुक्किलात दूसरे जिन्नात कुछ हाजिर हुए और उन्होंने उसको जकड़ लिए, उस वक्त उसको हटा दिए, वो दोनों आते थे, उन्हें फिर भाग गया, नहीं मार सका, ऐसा उन्हें उसने बोला उस बयान में, सुना गौर से, ये है बुजुर्गान दीन की शान, ये है अल्लाह वालों की शान, तुम अगर क्या बोलते तो बोलेंगे कि हम मानते नहीं, हम दरगाह को जाते नहीं, मत जाओ मत मानो, तुम कौन बोल रहा मानो, जो जानकर भी अनजान बन जाता उसको इस्लाम में जाहिल बोले आला है, जाहिल जो है तो जाहिल अनपढ़ को नहीं बोले आला है, अनपढ़ गवार को जाहिल नहीं बोले आला है, जाहिल है आलिम को जाहिल बोले आला है, जो इल्म रखते हुए वो बात को नहीं मानता, छुपाने की कोशिश करता, जानकर भी अनजाना बनता तो उसको इस्लाम में भी जाहिल बोले आला है, तुम जानकर भी अनजान मर, तुम जाहिल है, अब मैं तो कोई किताब में का किस्सा नहीं पढ़ाया तुम आपको अभी यहाँ पर, और ना कोई लाया नहीं बातें करा, ना कोई कहानी सुनाया, मैं तुम आपको प्रैक्टिकल में बताया, वो भी उस जिन्नात की जबानी पकड़ के पूछा है, तो जिन्नात ने क्या बोला, मैं जलाने के लिए आ गया था सब होगा, फिर तू जब आधा काम कर दिया, जब तूने जला दिया, जब तू मार दे रहा था, थोड़ा काम बचा रहा था, फिर तूने मारा क्यों नहीं, खुली तो बात है, तो उसको पूछा मैं क्यों नहीं मारा, तो उसने क्या बोला, मैं इसलिए नहीं मारा मैं छोड़ दिया, बचाने को आ गए, उसने बोल रहा कि बचाने को आ गए, मैंने बाद में पूरा तफसीर निकाला, उन्होंने बोला कोई दरगाह है, कुछ तुम नाम लिया उसमें है देखो, तो उन्होंने बोलता वहां से कुछ आए चीजें बचाने के लिए, वो आकर बचाए अल्लाह के हुक्म से, तो जब ये है, जब निगेटिव ताकत है तो पॉजिटिव भी है ना, जब जहमत देने वाली तो जहमत हटाने वाली भी ताकत है ना, मगर उस समझने वाला इल्म होना, जानकर भी अनजान बनेंगे तो फिर तुम जाहिल है, जाहिल है पढ़ के भी इस्लाम में जाहिल बोले आला, फिर आबैल मुझे मार हो जाएगा, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी, तुम ऐसे वबाओं में अगर मुब्तिला हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा कोई नहीं बचा सकता, और तुम गैरुल्लाह के पास जा रहे, गैरुल्लाह बोले तो जो अल्लाह को नहीं मान रहा, एकदम काफिरों के पास जा रहे तुम, और तुम अल्लाह वालों के पास नहीं जा रहे, बुजुर्गान दीन के पास नहीं, हद हो गई तुम्हारी कमाल, कि तुम बुजुर्गान दीन के पास जाना शिर्क बोल रहे, वहां जाना गलत है बोल रहे, अरे वो अल्लाह के वलिया है, कुरान में फरमा दिया अल्लाह ने, अल्लाह इन्ना वलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, हकीकतन मानू कि अल्लाह से डरता है अल्लाह का वली, हकीकतन मानू कि अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह का वली, फिर तुम उनको जो बोलते शिर्क,
फतवे शिर कह रहे, तुम जाने के तरीके देखो, हदीस कुरान शरीयत तुमको कैसा बता रहा उस हिसाब से जाओ, वहां जाने से तुम्हारा ईमान ताजा होता, ईमान तरोताजा हो जाता, और तुम काफिर के पास जाएंगे और जादूगर के पास जाएंगे तो वहां अल्लाह की लानत बरसती, तुम्हारे पे भी लानत बरसेंगी, और बुजुर्गान दीन के पास जाएंगे तो वहां रहमत बरसती, तुम्हारे पे भी रहमत बरसेंगी, और तुम जादूगर के पास जाएंगे और ऐसे जादू टोने करेंगे एक दूसरे को, या हटाने के लिए जादूगर के पास जाएंगे, बहुत सारे एक दूसरे पे जादू चलाने के लिए जाते और बहुत सारे जादू हटाने के लिए बेवकूफ जाते। अरे तुम तो बड़े हो तो कोई बेवकूफ नहीं है, कौन बोला लोहा लोहे से कटता, तो ठीक है हो सकता लोहा लोहे से कटेगा लेकिन जादू जादू से नहीं कटता ना। जादू एक किस्म की वबा, एक किस्म की जहमत है, वो तुम्हारे तकलीफ में डाल दिया मुब्तिला, तो तकलीफ से नजात देने वाली जात अल्लाह की है। शैतान तकलीफ में डालेंगे मगर शैतान फैज नहीं दे सकता, नजात नहीं दे सकता, नजात देना फैज देना अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह खुद जमीन पे आके नहीं देता, अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से पहुंचाता फैज, क्योंकि अल्लाह जमीन पे आना उसकी शान के खिलाफ है, जमीन की औकात नहीं है रूए जमीन की ना गैलेक्सियों की कि अल्लाह के नूर को बर्दाश्त कर दे, नूर का मामूली हिस्सा निकलने से पहले पूरे सब जल के राख हो जाएंगे। देख लिए ना मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में बयान कर दिया कि अल्लाह को जमीन में अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज जारी कराता पहुंचाता। कुरान और हदीस तुम्हारे को ऐसा दे दिया अल्लाह कि कुरान और हदीस की रस्सी को तुम अगर मजबूती से थामेंगे तो फिर तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हारे को कुछ जहमत नहीं पहुंचा सकेगा, वो तुम्हारी इबादत तुम्हारे रास्तों में ढाल बन के तुम्हारे को बचाता। अभी देख लिए ना कैसे किधर से कौन से मौके ला गए थे बचाने के वास्ते, और टाइम पे जल गए थे, अगर दरगाहों को नहीं जाते थे या जो भी बुजुर्ग से अगर मन्नत नहीं मांगते थे तो कई को मौके ला के बचाते थे, पेशेंट मर जाता था शैतान के साथ घूम के फिर जाता, फिर शैतान के साथ शैतान बन के ऐसा हराम मौत करने वालों को बोलेंगे कि ऐसा कैसा हजरा, तो रूह को तो डाल दिए शरीर को डाल दिए खबर में, रूह को लेके चले गए फरिश्तों ने आसमान में, फिर कहां से क्या बोले आला है, हराम मौत जो मरगा उसको फटक देंगे लाके जमीन, फिर रहे खयामत तक फिरते रहे वहां पे अंदर जमीन पे। और दूसरी बात, जादूगर क्या पकड़ता, जादूगर पकड़ता हमजा, मिनहा खलकनकुम फीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तरतन उखरा, बोल के खबर में मट्टी डालते साथ हमजा दब जाते, मगर ऊपर जो लास्ट वो हमजा रहता शैतान जो इंसान की शक्ल का सेम होता वो ऊपर बैठा हुआ था, गुनहगार इंसान का बहुत ताकतवर रहता और नेक इंसान का कमजोर रहता, नेक इंसान के हमजा को फरिश्ते आके कत्ल कर देते, ताकि हदीस में भी बड़ा मालूम होता, ताकि उसका पकड़ के जादूगर किसके आंग में ना डाले और उसकी बदनामी ना हो, और जो गुनहगार करता वो तो खबर बैठा रहता उससे फरिश्तों क्या लेना है, बट जादूगर पकड़ के डालता लोगों के आंग में, फिर उसके बाद में फिर आता उसका नाम निकल के उन्हें मर के भी लोगों को परेशान कर रहा है। सही बहुत अलग थे रहा, जितना इल्म समंदर है हर मामलों में, इल्म समंदर कौन से भी इल्म की डिफिनेशन कौन से भी थेरे में जाओ तुम्हारे इल्म समंदर दिखेगा, हर फैकल्टीज के अंदर अलग अलग, तो ये भी मामले के अंदर इल्म समंदर ना, जितने तुम गहराई में उतनी होता, खाली तुम्हारे एक लफ्ज बता दिया कि जादू, अब जादू कितने किस्म का है वो तुम उस पर सर्च करो रिसर्च करो, तुम्हारे कुरान के अंदर बता दिया कि शैतान, अब तुम सर्च करो कितने किस्म के शैतान है, जिन्ना शैतान बदलू है फलाने ढंग के, तुम सर्च करो तुम्हारी कुरान के अंदर का इतना तफसीर में देंगे क्या तुम, आपको पूरे पेजा भर देंगे क्या ये बाता बता के तफसीर में, एक एक मेन मेन टॉपिक बताया वाला है, जैसा कि शजर दरख्त, दरख्त बोल दिए दरख्त, हाजा दरख्त, ये दरख्त है दरख्त है, मगर दरख्त कितने टहनियां हैं, कितने पत्ते हैं, कितने फंटे फूटते, वैसा जादू तुमको एक जादू बोल के बता दिया, और जादू में हजारों पार्ट उसके फांटे फूटते, हजारों थीरीज बढ़ते उसके अंदर सब, मगर उन सब के ऊपर काबिज, उन सब के ऊपर दुनिया और आखिरत में हर चीज के ऊपर काबिज अल्लाह का कलाम, तुम्हारी दुनिया भी बना देता, तुम्हारी आखिरत भी बना देता और ये सब चीजों से महफूज रखता, तुम्हारी इबादत की गर्ज है कि अल्लाह को गर्ज नहीं है, बोल के तो अल्लाह ने फरमा दिया ना कि अल्लाह औलिया अल्लाह खौफुन अलैहिम व हुम यहज़नून, हकीकतन मालूम है अल्लाह की इबादत करता है वो अल्लाह का वली, हकीकतन मालूम है अल्लाह से डरता है वो अल्लाह का वली, बोल दिया ना अल्लाह ने तुम्हारी इबादत की गर्ज नहीं, कहीं करोड़ों फरिश्ते हजारों लाखों सालों से रुकू में तो रुकू में, कोई सजदे में तो सजदे में, मगर देखता नहीं अल्लाह उनकी तरफ, तुम्हारे को इबादत इस वास्ते दिया कि तुम्हारा ढाल है वो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी तो जादू को, इसलिए महफूज रहने के वास्ते बहुत सारे बातें अभी बताया ना कि मैंने पहले के वीडियो में कि ऐसे बनो नेक, तुम माँ बेटियां इस्लाम के अगर नेक बनेंगे, बाजारों में फिरना बंद करेंगे, गाने सीरियलें टीवियां देखना बंद करेंगे, तो तुम्हारे कोख से भी अल्लाह वलियों को पैदा करेंगे। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की माँ क्या फरमाती है, मैंने अभी बताया ना दूसरे वीडियो में कि बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को जो भी लोग देखते थे शेख फरीद को तो कलमा पढ़ लेते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हर दौर में बदमाश लोग रहते, हर दौर में जेल में ले जाते अल्लाह वालों को, बुजुर्गान दीन को, बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिए, जुर्म क्या है, खता ये है बोले कि जिस गली से गुजरते जो भी लोग उनके चेहरे को देखते और कलमा पढ़ लेते, जो भी काफिर चेहरे मुबारक को देख रहा कलमा पढ़ रहा, ये खता है इनकी, ये जुर्म है, पेश करो जज के सामने, जो उस दौर के काजी के सामने जज जो भी था उसके सामने पेश करे, तो मुकदमा आया, जज आगे बैठा, जज ने पूछा आज का क्या मुकदमा है, आज का मुकदमा ये है बोले
कि ये एक नौजवान है उसको लाया, वो जिस गली से गुजर रहा लोग उसको देख रहे, उसका चेहरा देखते ही कलमा पढ़ ले, उसकी खता ये उसका उसका जुर्म ये है। जब ने बुलाया सर लाओ सामने, सामने लेके आए कि सामने लाते कटघरे में खड़े करें कि जज ने ऐसा देखा कुर्सी पे से उठ के खड़े होगा बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जज भी उठ के खड़े हो गए कलमा, क्योंकि सारी जज सारी वकालत हर चीज कुदरत के निजाम के नीचे से, कुदरत के ऊपर कोई नहीं जा सकता, और ये अल्लाह वाले कुदरत इनके हवाले कर दिया कि अल्लाह ने बता दिया ना कुरान पर फरमा के। तो अब बाबा फरीदुद्दीन के चर्चे और होने लगे, पूरे सब तरफ चर्चा चर्चा होने लगी कि एक नौजवान ऐसा है कि वो नौजवान जिस गली से गुजर गया उसको तबलीग करने की जरूरत ही नहीं है, मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं, अल्लाह एक उसका रसूल एक, बस उसके चेहरे को देखते ही लोग कलमा पढ़ ले रहे। आप घर को गए आपके शाम में, आप दस तरह आपकी वालदा माजदा कितनी नेक खातून होंगी, वो तुम ऐसे नेक बनेंगे तो तुम्हारे बदन से भी अल्लाह ऐसे बच्चे पैदा करेगा। तो वहां पर घर में गए, घर में जाकर सब बैठे तो दस्तरखान वालदा ने बिछाया मेरा बेटा आगा बोल के, और दस्तरखान बिछाकर खिलाने लगे बच्चे को खाना अपने बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को। तो वालदा को क्या फरमाता बेटा बैठकर दस्तरखान पर, बोलता अम्मी जान आपको कुछ पता है बाहर तुम्हारे फरीद के क्या चर्चे चल रहे? तो उन्होंने फरमाया बेटा मैं पर्दादार खातून, मैं कभी जिंदगी में अपने चौखट के बाहर कदम नहीं रखी, मैं अपने घर के अंदर ही अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को अतात से मजबूती से थाम के इबादत जिक्र अस्कार में मशगूल हूँ अपने काम में, तो कभी जिंदगी में बाजार में नहीं गई, मैं पर्दादार खातून तो मुझे क्या पता चलेगा कि मोहल्लों में नुक्कड़ों पर क्या बातें चल रही तुम्हारे बारे में। तो फरमाया कि अम्मी जान तुम्हारे बेटे के ऐसे चर्चे चल रहे बाहर कि तुम्हारा बेटा जिस गली से गुजर गया फरीदुद्दीन उस गली से लोग कलमा पढ़ लेते खाली चेहरा देखते ही। तो उनकी अम्मी क्या फरमाते ये ऐसे बनो तुम नेक, ऐसे इनके नक्शे कदमों पे चलो, ये थे तुम्हारे बुजुर्गान दीन, ये थे तुम्हारे, बयान नहीं कर सकता मेरे अल्फाज नहीं मेरे, तुम इनके नक्शे कदमों पे चलो, हीरोनिया और हीरो के चलेंगे तो चार दिन की जिंदगी खबर में भरना पड़ेगा और दुनिया में भरना पड़ेगा, और चार दिन में से तो दो दिन की जवानी पकड़ के चलो और बाकी तो फिर बुढ़ापे में भरना पड़ेगा और खबर में भरना पड़ेगा। तो माँ फरमाती बेटे को कि मेरे बच्चे ये जो तेको रुतबा मिला, ये जो तेको मर्तबा मिला, ये तेरा नहीं है, ये मेरे वजह से, ये मेरी बदौलत है। बोलते बेटा बोलता अम्मी जान ऐसा कैसा? बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अम्मी जान ऐसा कैसा, मैं तुम्हारे वजह से कैसा, तुम तो पर्दादार खातून है, तुम तो घर के बाहर कभी नहीं निकले, तुम कभी मेरा तबलीग में हाथ बटाने नहीं आए, तो फिर मैं जो रुतबा मिल रहा तुम्हारे वजह से कैसा ये रुतबा? तो बोले बेटे मैं तीन बातें बताती हूँ तुझे, तीन राज तेरे ऊपर खोलती हूँ, तीन राज बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को फरमा रहे उनके अम्मी, तुझे तीन राज खोलती हूँ, जो जो है ना लोग तुझे देखकर कलमा पढ़ ले रहे तेरे तजल्ली को, ये तेरा नहीं है सब मेरी बरकत है। तो कैसा? तो बोले पहला राज, जब तू माँ के कोख में था, जब तू मेरे हमल में था, तो जब से मैंने 9 महीने तक कोई गुनाह नहीं करी, ना सगीरा गुनाह ना कबीरा गुनाह, इस वास्ते नहीं करी कि मुझे पता था कि अगर मैं एक भी गुनाह करूंगी तो मेरे पेट में जो बच्चा उस पर असर पड़ेंगे, इसलिए मैंने 9 महीनों तक एक भी गुनाह नहीं करी, बच्चा हर गुनाह से पाक रहना। फिर उसके बाद दूसरा राज तेरे ऊपर खोलती हूँ मैं, दूसरा राज ये है जब मेरा बच्चा दुनिया में आया, तौलीद हुआ, पैदा हुआ, तो जब भी बच्चे को भूख लगती थी तो मैं पहले जाकर वजू करती थी, फिर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती थी, फिर उसके बाद बच्चे को दूध पिलाती थी। तो ये दूसरा राज है बोले फरीदुद्दीन, और तुझ पर तीसरा राज खोलू क्या? बोले क्या है? हाँ अम्मी जान बताइए। तो तीसरा राज ये है बोले मेरे बेटे कि मैं आज तक मुझे पता नहीं मेरी तहज्जुद कब कजा हुई, शायद जिंदगी में मैं निकालेंगे ना काउंटिंग करेंगे आज, हम तो निकालेंगे काउंटिंग करेंगे तो पता नहीं हमने पढ़े क्या नहीं पढ़े, मगर उन्होंने काउंटिंग कर रहे पता नहीं कभी छोड़े क्या नहीं छोड़े उन्होंने, तो मेरी तहज्जुद कभी कजा हुई ही नहीं बोले। तो मैं हर तहज्जुद के अंदर ये दुआ करती मेरे बच्चे, रात में तहज्जुद के वक्त अल्लाह के सामने सजदे में सर रख के नाक जमीन पे रगड़ के अल्लाह के सामने ये दुआ करती कि मेरे रब मेरे फरीदुद्दीन को राह तबलीग में कोई तकलीफ ना आने दे, सिर्फ फरीद का चेहरा देख के ही लोग कलमा पढ़ ले, तो ये मेरे बरकात है। बोले देखा, तो जब माँ इतनी नेक वक्त रहेंगी तो कैसा नहीं बच्चा फिर फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जैसा पैदा होगा, फिर कैसा नहीं बख्तियार काकी पैदा होंगे, कैसा नहीं फिर निजामुद्दीन औलिया होंगे, कैसा नहीं फिर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह होंगे, कैसा नहीं फिर गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह पैदा होंगे। तुम जाएंगे बाजारों में नाचेंगे, तुम एक दूसरे पर जादू टोने करेंगे, हया नहीं, शर्म नहीं, पर्दा नहीं, इबादत नहीं, तो फिर तुम्हारे बच्चे जाहिल शैतान शैतान के साथ यहाँ पैदा होंगे, इस्लाम में फूट डालेंगे, जमातों को बांटेंगे और इस्लाम को ले जाके हर जगह डुबाने की कोशिश करेंगे। वो और उनका बाप भी मिलकर नहीं डुबा सकते, मगर वो कोशिशा करते रहेंगे हर वक्त इस्लाम में अल्लाह वालों को जहमत देने की। बुजुर्ग आने जैसा कि जेलों में डाल देंगे, वो उससे पहले जिन्होंने फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को जज के सामने लेकर खड़े थे, फिर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पे भी इल्जाम लगाए थे, गरीब नवाज को भी जेल में डालने की तैयारी कर रहे थे, तो ये सब जो हरकतें कर रहे थे तो वैसे औलादे पैदा होंगे फिर
जो कि इस्लाम के अंदर रह के इस्लाम के बागियां शैतान के साथियां फितने फसादात डालने वाले हमारे फिरके में बटो हमारे फिरके में बटो फिरके बांटने वाले, तुमको नेक मकबूल औलाद बोलते ना कि नस्ली हराम नस्ल से हराम ज्यादा बोलते, उसके माँ बाप नस्ली हराम बच्चा भी नस्ली हराम, माँ बाप नेक तो बच्चा भी नेक। फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की माँ भी कैसी नेक थी वो आगे के इसमें वाकई बताऊंगा। फातिमा नाम था आपकी वालदा माजिदा का, कितने नेक थे कैसा आलम था वो भी वाकई आगे के दूसरे इसमें नेक्स्ट में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो जब माँ बाप अगर नेक रहेंगे तो बच्चे ऐसे नेक बताऊंगे, माँ बाप शैतान के साथ रहेंगे नाच गाने करेंगे फिल्मा देखेंगे फिल्म वालों को फॉलोअर करेंगे फॉलोअर उनके बनेंगे तो ठीक है, अल्लाह वालों के नहीं बनेंगे उनके बनेंगे तो उनके पटरी पे देंगे, इधर रहेंगे तो इधर की राह पे देंगे। खैर अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, इसलिए बताया मैं कि मेरे को तजुर्बे प्रैक्टिकल में है तो तुम ये बातों पे अमल करो, मैं तुम किताबों से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ कहानियां किससे नहीं सुना रहा हूँ प्रैक्टिकल दास्तान में बता रहा हूँ।